हेलो एवरीवन, वेलकम संभव लॉ। और दोस्तों, जो सबरीमाला पिटीशन है जो कि अभी फाइल की गई है, उसके अंदर ऐसे तीन टॉपिक्स हैं, तीन केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट कंसिडरेशन में लेने वाला है सबरीमाला इशू के ऊपर जजमेंट देने से पहले। जो हम लोगों ने वीडियो कल बनाई थी वो सीरीज का पहला केस था, और आज हम लोग उस केस सीरीज के दूसरे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है गोलरुख गुप्ता वर्सेज बुरजोर परदीवाला का। ये केस दोस्तों बात करता है पारसी एक्सकम्युनिकेशन के बारे में, कि अगर एक पारसी वुमेन किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेती है जो कि नॉन पारसी है, तो क्या उसका ये राइट जो होता है कि वो पारसी टेंपल के अंदर जा सकती है, फायर टेंपल के अंदर, क्या वो राइट उससे छिन जाता है या फिर नहीं छिनता है। कोर्ट ने इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली अभी डिसीजन उसको देना है। ये कोर्ट अभी पेंडिंग है, जो केस है कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है। इस केस के अंदर दोस्तों एक 5 जजेस बेंच है जिसके मेंबर्स थे जस्टिस मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस भूषण और जस्टिस खानविलकर। इस केस का डिस्क्रिप्शन बेसिकली यह है कि क्या पारसी वुमेन अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लूज कर देती है जब वो अपनी मैरिज सोलमनाइज करती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि एक नॉन पारसी है। अब इस केस के फैक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो इस केस के अंदर जो मेन वो है पिटिशनर है वो है मिसेस गुलरुख गुप्ता, जो कि है पारसी बाय बर्थ, और उन्होंने एक हिंदू मैन से शादी करी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। उसके बाद उन्होंने शादी के बाद भी पारसी जोरोस्ट्रिज्म फॉलो करा, ठीक है। उसके बाद जो पारसी ट्रस्ट था उनके होम टाउन वालसद गुजरात में, उन्होंने उनको बार कर दिया पारसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आने से, और वो उसकी वजह से अपने जो माता पिता के जो उनके अंतिम संस्कार की रीतियां होती हैं वो उनको वो पूरी नहीं कर पाई। यहाँ पे जो असल में, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि पारसी कम्युनिटी के अंदर मतलब उनके कल्चर क्या है। जो पारसी कम्युनिटी होती है वो मतलब काफ़ी एक्सक्लूसिव होती है, काफ़ी वो टाइटनेट होती है। वो केवल पारसीज को अलाउ करती है कि वो उनके फायर टेंपल में जो उनका टावर ऑफ साइलेंस होता है, दो जगहें जो कि उनके प्लेस ऑफ वर्शिप होती है, उनके अंदर केवल वो पारसीज को अलाउ करती है एंटर करना। जो पारसीज होते हैं वो एक पैट्रिलिनियन डिसेंट के बेसिकली फॉलो करते हैं, कि जो पति के साइड से जो उनके चलती है लीनियज उसको फॉलो करते हैं। और अगर कोई वुमेन अगर इंटरमैरी करती है किसी दूसरे रिलीजन के साथ, तो ये डीम किया जाता है कि वो कन्वर्ट हो गई हैं अपने हस्बैंड के फेथ में, कि अगर उन्होंने हिंदू से शादी करी तो वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई, मुस्लिम से शादी करी तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई। इसकी वजह से होता ये है कि जो पारसी जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं वो पारसी वुमेन को डिसअलाउ करते हैं इंटरमैरी करने से, और अगर उन्होंने इंटरमैरिज कर ली है तो वो फिर फायर टेम्पल और टावर ऑफ साइलेंस में नहीं एंट्री ले सकती। जो मिसेस गुलरुख थी वो वालसाद में रहती थी और उन्होंने हिंदू फेथ में एक इंसान से शादी करी। उन्होंने ये देखा कि उनका एक जो उनकी एक जो फ्रेंड है उन्होंने भी इंटरमैरी की थी उसके साथ किसी दूसरे धर्म के इंसान के साथ, लेकिन जो फायर और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो पारसी ट्रस्ट था उन्होंने उनको जो है फायर टेंपल और उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी अपने पेरेंट्स के जो अंतिम संस्कार होता है उसके राइट्स पूरे करने के लिए। अब यहाँ पे जो गुलरुख थी उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने फिर सोचा कि हमें पहले ही पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए ये बात पूछने के लिए कि क्या उन्हें अलाउ किया जाएगा, उनके दोस्त को नहीं किया, क्या उनको अलाउ किया जाएगा अपने फैमिली के राइट्स पूरा करने के लिए अगर मान लीजिए उनका कभी भी डिमाइस होता है तब। यहाँ पे जो वालसद ट्रस्ट था, पारसी ट्रस्ट था जो वालसद का, उन्होंने गुलरुख के रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। फिर गुलरुख ने सुप्रीम हाई कोर्ट को जो गुजरात थी उनको उन्होंने अप्रोच करा और उसके जो फुल बेंच थे उसके सामने उन्होंने आर्ग्यू करा कि जो उनकी मैरिज थी वो होने के बाद भी उन्होंने पारसी जो धर्म था उसको फॉलो करा। वालसद ट्रस्ट ने ये कहा कि जो पारसी वुमेन होती हैं वो सीज कर जाती हैं पारसी आइडेंटिटी रखना, कि वो पारसी नहीं रहती हैं अपॉन मैरिज आउटसाइड दी कम्युनिटी, कि आप जब भी बाहर कहीं से शादी कर लेंगे तो फिर आप जो है वैलिड पारसी नहीं। मिसेस गुप्ता ने हाई कोर्ट को जब अप्रोच करा तो उन्होंने पिटीशन में ये कहा कि जो उनके फ्यूनरल राइट्स हैं उनको जो है अलाउ किया जाए इवन आफ्टर द इवेंट ऑफ डेथ, मतलब जब भी उनकी डेथ होगी तो उनको किया जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने 2:1 के जजमेंट में उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड के ऊपर कि जो पारसी वुमेन होती हैं अपॉन मैरिज किसी नॉन पारसी इंसान के साथ वो पारसी वुमेन रह नहीं जाती हैं अनलेस एंड अनटिल उन्होंने किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से ये बात लिखवा ली हो कि वो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन प्रैक्टिस कर रही थी आफ्टर मैरिज। आपको ये चीज़ कोर्ट से डिक्लेयर करवानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर फिर गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी रूल करा कि अगर एक पारसी वुमेन नॉन पारसी के साथ शादी करती है तो वो अपना जो रिलीजन होती है उसको लूज कर लेती है। उनका बेसिकली रैशनल ये था कि किसी भी धर्म के अंदर, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी धर्म के अंदर जैसे ही कोई वुमेन शादी करती है
उसका जो धर्म होता है इट मर्जेस इनटू द धर्म ऑफ द हस्बैंड, उनके रिलीजन के साथ उनका धर्म जो होता है वो मर्ज कर जाता है, उनका खुद का कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं करता उनके हिसाब से। अब इस ऑर्डर से जब वो अग्रीव हो गई थी तो उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्होंने ये कंटेंट करा कि जो एक्शन है ट्रस्ट के और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो स्पेशल मैरिज एक्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशन और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 21 और 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करते हैं, उन्होंने ये कहा। अब चलिए ये देख लेते हैं इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने कौन कौन से इश्यूज हैं। ठीक है, जो पहला इशू है वो ये है कि क्या एक वुमन अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी छोड़ देती है और क्या वो रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द हस्बैंड गेन कर लेती है जब वो माइनर सोलेमनाइज करती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता। फिर जो दूसरा इशू है वो ये है कि क्या जो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन था कि वुमेन की रिलीजियस आइडेंटिटी डिपेंडेंट होती है उनके पिता के ऊपर शादी के पहले और हस्बैंड के ऊपर शादी के बाद, कि जो वुमेन होती है उसे खुद की कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होती है, जब वो शादी नहीं करती तब उनके पिताजी जिस रीजन के होते हैं उनका वो रिलीजन हुआ और फिर शादी के बाद जो पति है उसका वो रिलीजन हुआ, क्या वो आर्टिकल 14 को, 15 को, 21 को और 25 को वायलेट करती है या फिर नहीं करती है। और फिर जो इसमें आखिरी इशू है वो ये है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है पारसी ट्रस्ट की वुमेन को बैन करने की जब वो शादी कर लेती किसी नॉन पारसी के साथ, क्या ये आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटिव है या फिर नहीं। अभी ये जो केस है दोस्तों ये अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है और इस बेसिकली जो केस है अभी बहुत बार इसके जो हियरिंग हुई है वो नहीं हुई है, और अभी जो सबरीमाला इशू है उसके अंदर इस पर्टिकुलर केस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए मैं ये केस डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। और अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें कि मैं जो तीसरा केस है सबरीमाला इशू के लिए इम्पॉर्टेंट वो डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जो सबरीमाला इशू में जो रिव्यू पिटीशन है उसके बारे में मैं एक और वीडियो पे बनाऊंगा जो कि मेरे इस सीरीज का फाइनल वीडियो होगा। तो अगर आपको वो वाले वीडियोस भी देखने हैं और इसके बाद भी जो वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आपको देखने हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर और सर्कुलेट करिए ताकि इस चैनल का थोड़ा सा ग्रोथ हो सके। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।